देखिए एक बात तो बड़ा स्पष्ट कर दे, देखिए कोरोना एक महामारी है और विपत्ति काले एक व्यवस्था है ऑनलाइन की, लेकिन ऑनलाइन जो टीचिंग है वो ऑफलाइन टीचिंग का स्थान नहीं ले सकती है। आखिरी सवाल आपसे है, थोड़ा राजनीतिक है सर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना पाने में सक्षम होगी? क्या बाबा जी दोबारा आएंगे या फिर आपके नजरिए से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा? जी सर। देखिए भाई, हम तो संगठन के व्यक्ति है, संगठन एक अराजनीतिक मंच होता है, हाँ नहीं बिल्कुल इसलिए सर, किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, अगर आपने राजनीतिक प्रश्न किया है तो जी देखिए, इस उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, परिणाम आपके सामने है, और किसान आंदोलन है, तमाम आंदोलन चल रहे हैं, तो ऐसे में जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर यदि वो मुद्दों को सुलझाने में सफल रही और जनमानस के बीच में लोकप्रिय रही तो निश्चित रूप से वो सरकार आएगी। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हमारे साथ हैं लोकता के अध्यक्ष मनोज पांडे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल, चूंकि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए आपका जवाब महत्वपूर्ण होगा। कोरोना महामारी के बाद उच्च शिक्षा के मापदंड कितना बदल जाएगा? आज ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल निकला है, क्या छात्रों को इससे फायदा होगा? जी सर। देखिए एक बात तो बड़ा स्पष्ट कर दे, देखिए कोरोना एक महामारी है और विपत्ति काले एक व्यवस्था है ऑनलाइन की, लेकिन ऑनलाइन जो टीचिंग है वो ऑफलाइन टीचिंग का स्थान नहीं ले सकती है, क्योंकि जो कक्षा के में छात्रों को शिक्षकों द्वारा जो लेक्चर डिलीवर किया जाता है उससे आई कांटेक्ट होता है, जो वन टू वन कांटेक्ट होता है, वो जितना लाभ देता है वो ऑनलाइन शिक्षा में उतनी जो लेक्चर की डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है, चाहे जितना क्वालिटी लेक्चर दिया जाए। शिक्षक तो हमेशा क्वालिटी लेक्चर देता है, एक तो उसमें ये पता नहीं चल पाता छात्र है नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें आपने भी देखा होगा, हमने आप सबने देखा कि छात्र अपना जो वो है वीडियो कैमरा है वो बंद कर देता है, केवल ऑडियो खुला रहता है, अब वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उस पर कितना असर हो रहा है इसका पता नहीं चल पाता। तो ये तो केवल और केवल एक व्यवस्था है, इस महामारी के बीच में व्यवस्था है, लेकिन ये ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग का स्थान नहीं ले सकती है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं और छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है, बिना मूल्यांकन प्रमोट कर देने की नीति कितनी सही है? जी सर। देखिए पहले जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है, जब जीवन रहेगा तभी हम जो है आने वाले जो भारत के कल के भविष्य हमारे नौजवान हैं, हम उनको भारत के लिए कुछ दे पाएंगे और ये भारत के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत सबसे अधिक दुनिया में युवाओं का देश है, नंबर वन। नंबर टू, आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन चल रहा है और एक बात तो तय हो गई है कि इस कोरोना महामारी से बचाव का जो सबसे उत्तम तरीका है वो वैक्सीनेशन है। अभी वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में यदि छात्रों के जीवन को दांव पे लगाया जाए तो हमें लगता है कि ये आने वाले कल के लिए देश के लिए उचित नहीं होगा। और देश हित में आवश्यक है कि जहां जहां आवश्यकता हो, मैं ये नहीं कहता कि बिना परीक्षाओं के छात्रों का प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा एक 3 घंटे की परीक्षा ही परीक्षा नहीं होती, पर छात्रों का तो एक सतत मूल्यांकन होता रहता है, वो पूरे वर्ष अध्ययन करते हैं, पूरे वर्ष अध्ययन करने के बाद उनका एक सतत मूल्यांकन होता है, तो परीक्षा एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में जब एक बात तय हो गई कि कोरोना की महामारी में 2 गज की दूरी जरूरी है, आइसोलेशन जरूरी है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके हम इस समय आइसोलेशन की व्यवस्था रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके जहां बहुत आवश्यक न हो वहां परीक्षाएं न करा करके जो उनके आंतरिक मूल्यांकन हुए हो उन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। अच्छा सर, क्या एक मैं जरूर बात रखूंगा कि अगर जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं भी की जा सकती थी? ऑनलाइन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं करा रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो राज्य विश्वविद्यालय हमारे हैं, जिन विश्वविद्यालयों की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रदेश में हम हैं और जहां सुदूर ग्रामीण अंचलों में फैले हुए हमारे छात्र हैं,
दूर दूर से छात्र आते हैं, प्रदेश के हर हिस्से से छात्र आते हैं, और ये कोरोना की जो दूसरी लहर है आपने देखा ये गांवों में भी फैल गई। अब इसके कारण जो भी हो, कारणों पर नहीं जाते हैं, कारण तो भाई बहुत सारे लोग बहुत सारे गिनाते हैं, उनमें लोग हम साथी ये भी कहते हैं कि भाई पंचायत का चुनाव हुआ ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हम पंचायत के चुनाव या कारणों पर न जाते हुए हम जो सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे कि मूल्यांकन बिल्कुल इतना पारदर्शी होना चाहिए कि उसमें किसी भी छात्र के साथ अन्याय न होने पाए। अब गांवों में आप जैसी हमारे यहाँ नेट की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं हैं, हम आप सभी अवगत हैं, हमारे छात्र गांवों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं, तो यदि एक भी छात्र के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अन्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ कि यदि किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से अगर एक भी छात्र के साथ न्याय नहीं हो पाया तो शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से जो आने वाले कल में हम एक भविष्य देना चाहते हैं उस भविष्य पर पारदर्शी व्यवस्था चाहे जितना भी कर ली जाए उस भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जी जी सर, एक सवाल शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान नीतियों के बारे में बताइए, कुछ पॉइंट्स को अपने जवाब के दायरे में जोड़ दीजिएगा, मसलन शिक्षकों के हितों को लेकर, प्रदेश सरकार का रवैया, छात्रों के भविष्य को लेकर लिए जा रहे फैसलों की उपयोगिता। जी सर, देखिए दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, छात्र हैं तो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, राष्ट्र है और राष्ट्र की उन्नति है। हमें सबसे पहले छात्रों के बारे में सोचना चाहिए, हम स्वहित के बारे में कम हमें सोचना चाहिए, हमें छात्र हित के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। स्वहित हमारा तो अलग प्रश्न है, उसकी भी हम बात कर लेंगे, लेकिन छात्र हित की बात है। पिछले साल कोरोना में अगर आप देखें तो पिछले साल कोरोना में छात्रों को प्रमोट किया गया, और अभी हमने देखा माध्यमिक जो हमारे विद्यालय है 12 तक के, उनके बारे में सरकार ने एक शासनादेश किया और हमने अपने कुलपति जी को एक पत्र भी लिखा और हमने राज्य सरकार से भी अपील की और आपके माध्यम से फिर राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिन छात्रों की परीक्षाएं पिछले साल नहीं हुई, हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र गांव से हैं, गरीब से हैं, छोटे शहरों से हैं, छोटे गांवों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, और इस कोरोना में आपने देखा आर्थिक रूप से तंगी आई, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो ऐसे में हमने पत्र लिखा, हमने राज्य सरकार से भी आग्रह किया, हमने अपने माननीय कुलपति महोदय से भी आग्रह किया, क्योंकि फीस विश्वविद्यालयों का विषय होता है इसलिए कुलपति महोदय से भी आग्रह किया, और राज्य एक सॉवरेन अथॉरिटी है और वेलफेयर का कंसेप्ट है, इसलिए राज्य सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि जो हमारे छात्र हैं पिछले साल परीक्षाएं नहीं हुई और रिजल्ट निकालने का खर्चा भी बहुत कम आया, प्रमोट कर दिए गए, तो हम अपने गरीब छात्रों को इस समय जब रोजगार चले गए हैं तो हम अपने उन छात्रों का जो किन्हीं कारणों से फीस देने में असमर्थ है उनकी अगर परीक्षाओं की फीस माफ कर दे, माध्यमिक विद्यालयों में तो हमने देखा परीक्षा फीस भी माफ हुई, लाइब्रेरी फीस भी माफ हुआ, क्रीड़ा शुल्क भी माफ हुआ, तमाम प्रकार की फीसें माफ हो गई। हमारी ये मांग है और आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी कोरोना काल में, और छात्रों के हित में अगर सरकार ये निर्णय लेती है, उनका फीस माफ कर देती है, तो एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। दूसरा, सरकार ने कॉमन सिलेबस बनाने का एक प्रस्ताव दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने सरकार को एक पत्र भी लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई कॉमन सिलेबस की बात नहीं की गई है, और अगर आप देखें तो इसी उत्तर प्रदेश में, मैं एक शहर की बात, लखनऊ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, यहाँ राज्य विश्वविद्यालय भी है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हमारे राज्य विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिलेबस तय करने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से छूट दी गई है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में 70% जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो सरकार द्वारा तय किया जा रहा है। सरकार पहली बार विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के हस्तक्षेप से जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में दिक्कत होगी, नंबर वन। नंबर टू,
कि वो सबसे बड़ी बात होगी कि अगर 70% सरकारी कंटेंट तय कर देगी तो हर विश्वविद्यालय की एक विविधता है, हर विश्वविद्यालय किसी न किसी मामले में विशेषज्ञता है, तो उसकी जो विशेषज्ञता है वो समाप्त हो जाएगी। आप देखें बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी इस बात को लेकर के विवाद है, और सिलेबस तय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में एक व्यवस्था दी गई है। सरकार उस व्यवस्था के परे जाकर के चीजों को थोपना चाहती है, तो हम इसी प्रदेश में उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दूसरा, नैक की संस्था है, नैक इनोवेशन इनोवेटिव एजुकेशन की बात करता है, तो हम इनोवेशन की बात कैसे करेंगे, हम रिसर्च की बात कैसे करेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, आपके माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये आग्रह भी है कि कॉमन सिलेबस छात्रों पर न थोपा जाए, विश्वविद्यालयों पर न थोपा जाए। विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है, स्वायत्तता जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, जो अकादमिक स्वायत्तता है, उसे बरकरार रहने दिया जाए, जिससे विश्वविद्यालयों कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपनी पहचान बना सके और विश्वविद्यालय बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। जी सर, मनोज जी आपने बहुत अच्छे सवाल जवाब दिए। आपने कुछ अपने कुछ मुद्दों के बारे में बताइए जिस पर फिलहाल लोकता काम कर रहा है। जी सर, देखिए शिक्षकों के हित के लिए तो संगठन संघर्षरत रहता है, हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारी मांग जो सबसे बड़ी मांग है कि भाई जब यूजीसी ने एज ऑफ रिटायरमेंट 65 कर दिया, तो राज्य सरकार को और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने पड़ोसी राज्य हैं सब में 65 हो गया, तो उत्तर प्रदेश में 65 क्यों नहीं भाई, उत्तर प्रदेश में भी, और ऐसे समय में जबकि हमारे विभाग के मुखिया स्वयं विश्वविद्यालय से संबंधित हो, तो उन्हें ज्यादा संवेदनापूर्ण होना चाहिए, उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और उनके अंदर ज्यादा संवेदना होनी चाहिए कि 65 हो। दूसरा, कि जब इक्वल क्वालिफिकेशंस पर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वो महाविद्यालयों में हो चाहे विश्वविद्यालयों में हो, और जब यूजीसी ने महाविद्यालयों में भी प्रोफेसर का पद दे दिया, तो उनके साथ ये अन्याय उचित नहीं है, उन्हें भी प्रोफेसर का पद दे देना चाहिए जो आवश्यक है। प्रोफेसर का पद दे देने से महाविद्यालयों में भी जो हमारे शिक्षकों के अंदर जो किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय में नहीं जा पाए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में सीमित संख्या है लेकिन क्वालिफिकेशन से एक है, तो इस जो सीमित संख्या के कारण जो विश्वविद्यालय में नहीं जा पाए और जो विषमताएं हैं इक्वालिटी एमंगस्ट इक्वल के बीच में, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन उनकी है वही क्वालिफिकेशन हमारे महाविद्यालय के साथियों की है, तो जो संविधान में हमें इक्वालिटी एमंगस्ट इक्वल की बात की है कि समान लोगों में समान तरीके का व्यवहार होना चाहिए, असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो सरकार को चाहिए आगे बढ़ करके जब यूजीसी ने हम के बीच समान व्यवहार की बात की है, तो प्रोफेसर का पद निश्चित रूप से महाविद्यालय के शिक्षकों को भी दे देना चाहिए। इस कोरोना काल में एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिली और सरकार से भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है इलाज, चिकित्सा पर खर्च। चिकित्सा के लिए विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक है, हमारे महाविद्यालयों के शिक्षक है, इनका सरकार द्वारा कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता, हमें चिकित्सीय परिपूर्ति नहीं की जाती है, तो हमारे साथी अगर बीमार हो जाए, इस कोरोना काल में बहुत सारे साथी अकाल हमारे बीच से दिवंगत हो गए, चले गए, जिनके लिए जिनको संगठन भावभीनी श्रद्धांजलि भी आपके इस चैनल के माध्यम से अर्पित करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन जो चले गए उनके जाने के बाद जो उनके परिवार रह जाते हैं, उनकी इस वेदना को, उनकी इस पीड़ा को कम करने का जो दायित्व होता है वो मूलतः सरकारों का होता है, सरकारें कल्याणकारी कार्य करती है, तो मेरा आग्रह है सरकार से कि वो कोरोना काल में जो साथी हमारे शहीद हो गए हैं उनके आश्रितों को उनके पद के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी दे, उन्हें पेंशन दे, उनके मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए और चिकित्सीय प्रतिपूर्ति की जाए, और जो साथी चले गए हैं उन्हें कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जी जी मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, थोड़ा राजनीतिक है सर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना पाने में सक्षम होगी? क्या बाबा जी दोबारा आएंगे या फिर आपके नजरिए से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा? जी सर, देखिए भाई हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन एक अराजनीतिक मंच होता है, इसलिए किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे, अगर आपने राजनीतिक प्रश्न किया है तो देखिए इस उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, परिणाम आपके सामने है, और किसान आंदोलन है, तमाम आंदोलन चल रहे हैं, तो ऐसे में जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है अगर यदि वो मुद्दों को सुलझाने में सफल रही और जनमानस के बीच में लोकप्रिय रही तो निश्चित रूप से वो सरकार आएगी, इसलिए
और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो लखनऊ से बैठ करके और शिक्षा रूप में अभी ये कह पाना बड़ा कठिन होगा कौन सी सरकार आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की चुनौतियां बहुत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने सभी सवालों के जवाब जो है प्रखरता से रखे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।